फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जी एस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज सेकंड लेकर आई हूं। तो चलिए आज का ये टेस्ट सीरीज लगाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहां पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, करंट अफेयर, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज़ ज्वाइन विद मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं कि सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित था कालीबंगा, जिसका एक्चुअल अर्थ अगर बात करें तो इसका एक्चुअल वास्तविक अर्थ होता था काले रंग की चूड़ियाँ। अगर प्रेजेंट लोकेशन की बात करते हैं तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का क्षेत्र है। वहीं रावी नदी जो के तट पर जो स्थित था वह था हड़प्पा। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित था तथा भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित था। और फ्रेंड्स, शायद ही ऐसा कोई एग्जाम कंडक्ट करवाया गया हो जिसमें इंडस सिविलाइजेशन से कोई क्वेश्चन नहीं एराइज किए गए हों। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो इसमें से ज़रूर ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, घग्गर नदी। नेक्स्ट है कि आर्य शब्द इंगित करता है। देखिए, आर्य जो वर्ड है ना वो संस्कृत लैंग्वेज का एक वर्ड था और इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन वंश, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित गृह त्याग की घटना से कौन सा प्रतीक संबंधित है। देखिए, महात्मा बुद्ध ने जब अपने दैनिक जीवन को छोड़कर, गृहस्थ जीवन को छोड़कर संन्यास को अपनाया था, तो वे उन्होंने जो गृह त्याग किया था ना, तो उनका प्रतीक उनका घोड़ा है और उनके घोड़े का नाम था कंथक। पीपल की वृक्ष की अगर बात करते हैं तो ये उनके ज्ञान प्राप्ति की प्रतीक थी। कमल और शांड जन्म के प्रतीक थे तथा पद चिन्ह उनके मृत्यु यानी निर्वाण का प्रतीक था। नेक्स्ट है कि बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था और हेलियोडोरस का जो बेस नगर यानी विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ लेख है उसकी रचना हेलियोडोरस ने की थी, जो भागवत धर्म की जानकारी देता है। नेक्स्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। देखिए, कौटिल्य जिसका अन्य नाम चाणक्य तथा विष्णुगुप्त भी था, तो इसका जो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा था ना वो 15 खंडों में डिवाइडेड यह पुस्तक थी। यह पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल का विस्तृत जानकारी देती है। मौर्य काल में राज्यों को के जो 7 अंग बनाए गए थे ना, तो ये 7 अंग कौन कौन से थे, तो यह इसका भी विवरण उन्होंने अपने किस में किया है, तो अपने पुस्तक में किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो ना तो आत्मकथा है, नहीं अर्थशास्त्र से संबंधित है और न ही चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है। इसमें मौर्य काल के राजनैतिक इतिहास का वर्णन किया गया है और वे 7 राज्य कौन कौन से थे, 7 अंग कौन कौन से थे राज्यों के, तो यह जानने के लिए आप मेरे मार्क्समैन के प्रीवियस सेट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि पाल खेड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1728 ईस्वी में। यह जो पाल खेड़ा का युद्ध था ना फ्रेंड, ये बाजीराव प्रथम तथा निजामुल मुल्क के द्वारा हुआ था बीच में, और इसमें निजामुल मुल्क की हार हो गई थी। इस युद्ध के दौरान मुंशी शिव गांव की संधि हुई, जिसके तहत निजामुल मुल्क ने मराठों को चौथे और सरदेश मुखी देना एक्सेप्ट किया यानी स्वीकारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गुलरुखी उपनाम से कविता लिखी थी, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो वह भी सिकंदर लोदी ने ही की थी। और जो नाप का यानी मेजरमेंट का एक पैमाना सिकंदर लोदी ने फिक्स किया था, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी, तो गज ए सिकंदरी जो नाप का पैमाना था उसकी शुरुआत भी सिकंदर लोदी के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट है कि आमिर खुसरो किसके दरबार में था, तो ऑप्शन ए ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था आमिर खुसरो। देखिए आमिर खुसरो के बारे में ऐसा कहा जाता है ना कि इसने 7 शासकों का शासन देखा था, जैसे बलबन का, कैकुबाद का, जलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का, मुबारक शाह का, गयाशुद्दीन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, तो इस प्रकार ये 7 सुल्तानों का शासन देखने वाला आमिर खुसरो था। आमिर खुसरो की मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325 ईस्वी में। आमिर खुसरो जो था वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। कई एक बार पूछे गए हैं कि आमिर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, तो निजामुद्दीन औलिया। चलिए नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासकों ने सबसे कम टाइम तक शासन किया, तो ऑप्शन सी खिलजी वंश की अगर बात करते हैं तो ये इन्होंने मात्र 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक यानी सबसे कम टाइम ड्यूरेशन तक शासन किया। और सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो वह था तुगलक वंश, जिसने 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट है कि बहमनी राज्य का संस्थापक था, ऑप्शन डी इज करेक्ट, अलाउद्दीन हसन, जिसका दूसरा नाम जफर खां और हसन गंगू भी था। इसने अपनी जो बहमनी राज्य थी उसकी राजधानी गुलबर्गा स्थापित की थी। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ के जेल में रखा गया था, तो देखिए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 ईस्वी को किया गया, बट 9 अगस्त 1942 की सुबह ही मोहनदास करमचंद गांधी के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू इट्सेट्रा जो फेमस नेता थे इससे रिलेटेड, तो उनको ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ना अरेस्ट कर गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना जेल भेजा गया था। कई एक बार पूछा गया है कि किस आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, तो वह आंदोलन यही था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन सी पैथिक लॉरेंस ने। देखिए 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत के दिल्ली पहुंचा, जिसमें कुल 7 सदस्य थे और उनका नाम था पहला पैथिक लॉरेंस, दूसरा स्टफोर्ड क्रिप्स, तीसरा एवी अलेक्जेंडर। और 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत का जो संविधान सभा हुआ उसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, यानी पहली जो बैठक थी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को सोमवार का दिन था, प्रातः 11 बजे यह बैठक आयोजित किया गया। कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर नामक एक लाइब्रेरी था यानी पुस्तकालय भवन था, वहीं किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट है 15 की पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को फाइनली अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था, ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947 से। नेक्स्ट है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, ऑप्शन ए 1862 ईस्वी में। देखिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 ईस्वी में भारतीय हाई कोर्ट जो एक्ट लाया गया, अधिनियम लाया गया, तो उसी के तहत 1862 ईस्वी में ये तीनों जगहों पर बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद यानी आज़ादी के बाद भारत का कौन सा पुर्तगाल के अधीन बना रहा कौन सा राज्य,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गोवा जो था ना वो पुर्तगालियों के अधीन था आज़ादी के बाद। 1961 ईस्वी में गोवा पर सैन्य कार्रवाई करके भारत ने गोवा पर कब्जा कर लिया तथा फाइनली 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था, ऑप्शन डी माउंट बेटन ने। नेक्स्ट हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे, यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। और हरिश्चंद्र मुखर्जी जिन्होंने हिंदू पैट्रियाट का संपादन किया था, ये नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले व्यक्ति थे। अगर हम लोग बात कर लेते अरविंद घोष की, तो इन्होंने वंदे मातरम का संपादन किया था। हरिजन के संपादनकर्ता महात्मा गांधी थे तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहिष्कृत भारत से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है, ऑप्शन ए राज्य का विधान मंडल, और इसका वर्णन आर्टिकल 243 के गा में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, ऑप्शन डी काका साहेब कालेकर। और पिछड़ी जाति आयोग का गठन जनवरी 1953 ईस्वी में किया गया था। अगर प्रेजेंट टाइम में इसके सभापति की बात करते हैं तो इनके सभापति का नाम है भगवान लाल साहनी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, ऑप्शन सी जर्मनी। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 15 देश इसके सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थाई सदस्य होते हैं तथा 10 देश जो होते हैं वो अस्थाई सदस्य होते हैं। अब ये 5 जो अस्थाई सदस्य हैं वह है ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, अमेरिका तथा रूस। नेक्स्ट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है तथा ये मानव अधिकार के संरक्षण से संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी, ऑप्शन ए बंगलुरु में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी, ऑप्शन डी, तो उनका नाम था सिरिमाऊ भंडारनायके, और ये श्रीलंका की पहली, श्रीलंका की तो छोड़ दीजिए ऑल ओवर वर्ल्ड की ये पहली प्रधानमंत्री थी जो श्रीलंका की बनी 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कई एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मार्लेमेंटो सुधार यानी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा, जिसमें ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था जो 5 वर्ष के लिए होता था, जबकि निचला सदन जो होता था ना वो लोअर हाउस, वो केंद्रीय विधानसभा कहलाता था जो 3 वर्ष के लिए होता था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये केप कैनवरल में स्थित है। हालांकि अगर हम लोग केप कैनवरल की बात करते हैं तो ये अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित है, बीच में इसका नाम चेंज कर केप कैनेडी भी रख दिया गया था। वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, तो उन्हीं के नाम कर केप कैनेडी रख दिया गया, बट प्रेजेंट टाइम में फिर से नाम बदल कर इसका प्रारंभिक नाम ही दे दिया गया है, यानी केप कैनवरल, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है कि बरमूडा ट्रायंगल अब स्थित है, ऑप्शन सी पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर इसको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सेंटोस बंदरगाह जो है ना उसे विश्व का कॉफी बंदरगाह कहते हैं, बिकॉज ये विश्व की सर्वाधिक कॉफी का एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हवाना, जो क्यूबा में सिचुएटेड है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई। तो ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है दार्जिलिंग, वहाँ किया गया था 1897 से 98 के दौरान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन ए बायोगैस, के बायोगैस जो है ना वो व्यावसायिक स्रोत नहीं है, इट मीन्स यह गैर परंपरागत स्रोत है। इसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब भी जो है व्यावसायिक स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं, मतलब ये गैर परंपरागत स्रोत हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी राउरकेला। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो था ना उसका सपोर्ट किया था जर्मनी ने। अगर हम लोग बात करते हैं भिलाई की, तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना में पूर्व सोवियत संघ यानी रूस ने सपोर्ट किया था, दुर्गापुर का सपोर्ट ब्रिटेन ने किया, और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई, तो रूस के सहयोग से। नेक्स्ट है कि झूम किसे कहते हैं। तो झूमिंग जो होती है ना वो खेती की एक टेक्निक है फ्रेंड। इसमें जनरली वनों को काट कर या फिर जलाकर जो कृषि योग्य भूमि होती है उसका निर्माण किया जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि बार बार एक स्थान पर अगर जलाया जाएगा मिट्टियों को, वनों को, तो उसकी जो फर्टिलिटी रहेगी, सॉइल फर्टिलिटी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर ये कंडीशन कभी आ जाता है कि सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है, तब ये अपना पोजिशन को चेंज कर देते हैं, दूसरे खेतों में दूसरे जगहों पर जाते हैं, और फिर इसी प्रकार की टेक्निक को वो कंटिन्यू करते रहते हैं। तो इसी को ही झूमिंग खेती कहते हैं। ये जनरली नागालैंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में संसाधन विभाजन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी उपभोक्ता के व्यय करने के नमूने के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा स्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। ऑप्शन डी ब्याज दर को कम करना, ये मुद्रा स्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, ब्याज दर को कम करना। नेक्स्ट है कि यूनिवेक और इनिएक किस पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण का एग्जाम्पल है। तो ये प्रथम पीढ़ी का एग्जाम्पल है, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1946 से 1949 तक है। नेक्स्ट है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्लें भारतीय द्विकाजी नहीं हैं। तो लाल सिंधी जो नस्ल होती है ना वो गाय की, वे द्विकाजी नहीं होती है बल्कि दुधारू होती है। इट मीन्स काफ़ी अमाउंट में यह दूध उत्पन्न करती है, लाल सिंधी जो नस्ल होती है गाय की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का रामसर स्थल सबसे बड़ा है। ऑप्शन बी वेम्बवाद कोल आर्द्र भूमि, जो केरल में सिचुएटेड है। और अगर सबसे छोटे की बात करेंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा रेणुका आर्द्र भूमि, जो हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है। ऑप्शन डी जल वाष्प, इसका योगदान 36-70% के आसपास है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये 9-26%, मीथेन 4-9% और ओजोन 3-7% के आसपास। नेक्स्ट है कि धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंधित है, वह कौन सी गैस है। तो ऑप्शन सी मीथेन। मीथेन धान की खेतों के अलावा कोयले की खदानों और घरेलू वातावरण से भी निकलती है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट, भारत की कौन सी क्रिया जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित होती है।
ऑप्शन ए कृषि। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी उसके वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य पर। अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए, अगर वायलेट कलर यानी बैंगनी की बात करते हैं तो उसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जबकि वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। वहीं रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला है वो आप नोट कर सकते हैं, सेल्सियस बाय 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। इसमें से आपका फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो आप सेल्सियस निकाल सकते हैं, और सॉल्व करने पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 36.89 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन डी अवरक्त तरंग, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है अवरक्त तरंग। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए चाल की अगर बात करते हैं तो ये सदिश राशि ना होकर अदिश राशि है। अब देखिए, सदिश राशि अदिश राशि में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी स्केलर में आते हैं, कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटी में यानी चले जाते हैं, तो यह सब पढ़ने के लिए आप मेरे प्रीवियस सेट जो मैं मार्क्समैन का फिजिक्स करवाई थी वहाँ पर मैं डिटेल से इसके बारे में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो आप उसे जाकर जरूर विजिट कीजिए। क्योंकि हमेशा एग्जाम में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी चूज करने के लिए आता है, तो आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट है कि न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है। ऑप्शन सी बल यानी फोर्स को। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते किसे हैं। देखिए, जब तक वस्तुओं पर पर्याप्त फोर्स यानी बल ना लगाया जाए तब तक जो गतिमान वस्तु रहती है ना वो रेस्ट के पोजीशन में ही रहेगी। नेक्स्ट है कि जल का वाष्प में बदलना कहलाता है। तो इट इज ए फिजिकल चेंज, जो एक भौतिक प्रक्रिया है। इसके अलावा जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं चीनी में, सॉरी वाटर में जो चीनी घोलते हैं, वह भी एक फिजिकल चेंज है। अब जानेंगे कि फिजिकल चेंज कहते किसे हैं। देखिए, जब कोई वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में कन्वर्ट हो जाती है लेकिन बाद में वह पुनः अपना एक्चुअल पोजिशन धारण कर लेती है तो उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट है कि भूप्रपटी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, अप्रॉक्स 46.8% के आसपास, और दूसरा पोजीशन पर आ जाएगा सिलिकन, अप्रॉक्स 27.72% के आसपास। यहाँ पर परसेंटेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है फ्रेंड, तो आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा। जो नियरेस्ट वैल्यू अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो नियरेस्ट ऑप्शन जो रहेगा, नियरेस्ट परसेंटेज जो रहेगा, आप उसे ही टिक लगा कर आइएगा। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, CaSO4.5H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ या द्रव का गैसीय अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधी सॉलिड अवस्था में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है। तो इसे निक्षेपण कहते हैं इस प्रोसेस को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश यानी निगेटिव चार्ज होता है। तो बीटा रेज में, बीटा किरणों में। मेंडल द्वारा प्रतिपादित तीन नियम में निम्नलिखित में से कौन सा नियम संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी उत्तरदायी का नियम संबंधित नहीं है, हालांकि प्रभावित का नियम, पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम संबंधित है। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या है। ऑप्शन डी C6H12O6। नेक्स्ट, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। ऑप्शन ए आंवला। आंवला के अलावा जितने भी ज़्यादातर जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट मीन्स जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा एट्सेट्रा, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। ऑप्शन सी ATP के रूप में। नेक्स्ट, प्लाज्मा में जल का परसेंटेज लगभग होता है। ऑप्शन बी अप्रॉक्स 90%। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवण करती है।
पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस कहते किसे हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप यानी प्लांट हार्मोन नहीं है, तो इंसुलिन, इंसुलिन की अगर बात करें तो ये प्लांट हार्मोन नहीं बल्कि एनिमल हार्मोन है। और ड्यू टू लैकनेस ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन का कमी हो जाता है बॉडी में ना, तो पीपल को डायबिटीज बीमारी हो जाती है यानी मधुमेह रोग। इथिलीन, जेब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये सब प्लांट के हार्मोन हैं जो पौधे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए रावी नदी पर। नेक्स्ट, सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 19 सितंबर 1960 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ था। नेक्स्ट, यहाँ पर से मैथ है तो मैथ का जो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा फ्रेंड, तो स्क्रीन पर भी बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो जो शॉर्ट रहेगा मैं वहाँ पर बतलाऊँगी, बाकी सबका मैं आंसर देते हुए आगे बढ़ जाऊँगी। तो चलिए, 71 है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य जिसे मार्क प्राइस कहते हैं 10% छूट देता है, फिर भी वह 26% गेन प्राप्त कर लेता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपया हो तो क्रय मूल्य की गणना कीजिए, यानी CP निकालना है इसमें, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब आप इस पर पुट कीजिएगा, क्योंकि मार्क प्राइस आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 560 रुपया, डिस्काउंट परसेंट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 10% का छूट यानी डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 504 रुपया। और जब CSP निकल गया तो CP तो आप निकाल ही लेंगे, CP इक्वल टू SP इंटू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 रुपया। नेक्स्ट है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज़्यादा है, प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से रेशियो क्या होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर सपोज डैट लेट कर लेंगे कि तो थर्ड नंबर है जो तीसरी संख्या है उसे 100 लेट करते हैं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, उससे 40% ज़्यादा है, इट मीन्स पहली संख्या हो गई 140। दूसरी संख्या उससे 60% ज़्यादा है, इट मीन्स दूसरी संख्या हो गई क्या 160। तो रेशियो निकालना है पहली और दूसरी संख्या के बीच में, तो रेशियो आप निकाल दीजिए, करेक्ट आंसर 7/8। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7:8। नेक्स्ट है कि एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के रेशियो में हैं। यदि सिक्कों का मूल्य ₹171 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ये एग्जाम में न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कि यहाँ पर आप रेशियो देख सकते हैं, कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है 5:4:3, तो आप इसका अमाउंट निकालिए। ये थोड़ा सा लेंदी है फ्रेंड, तो मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाऊँगी, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन जाकर पढ़िए मैथ में और तब आपको पता चल जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बट थोड़ा सा लेंदी है, स्क्रीन पर ये पॉसिबल नहीं है सॉल्व कर पाना। नेक्स्ट है कि ए तथा बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे, बी ने कितने दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया? तो सपोज डैट लेट कीजिए कि बी ने एक्स दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया, तो यहाँ पर इसका जो इक्वेशन बनेगा वह बनेगा 20/25 प्लस 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 45 इक्वल टू 1। आपको 1 क्वेश्चन में ना मिलेगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS को बैलेंस करने के लिए 1 यहाँ पर RHS में पुट किया जाता है, तो 1 आप क्वेश्चन में मत ढूंढिएगा। तो और जब ये इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा ना, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी 11 हो जाएगा, और यही इसका आंसर है।
चलिए नेक्स्ट है कि रुपीज 6600 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की रेट पर प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। ये लेंथी क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो देखिए बुकर पुरस्कार जो 2020 का था वह तो दिया गया था डगलस स्टुअर्ट को, बट 2021 आपसे एग्जाम में पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड डियोप। आप नोट कर सकते हैं डेविड डियोप। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी, प्रेजेंट टाइम में यशवर्धन सिन्हा जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर कार्यरत हैं भारत के। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिन कॉन्ड्री का निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थी। ऑप्शन ए फिल्म। नेक्स्ट, हाल ही में डिएगो मैराडोना का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। ऑप्शन सी फुटबॉल से। नेक्स्ट, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बी द प्रॉमिस्ड लैंड। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2020 में कुल कितने टीम ने भाग लिया था। तो कुल 8 टीम ने। नेक्स्ट है कि विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए चेन्नई को। नेक्स्ट है कि एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी यह महाराष्ट्र के परभनी जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट गठन का फैसला किया है। ऑप्शन डी यह मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सरना संहिता पर प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन सी झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर वेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से खुद को हटा लिया है। ऑप्शन बी ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को कितने सीटें प्राप्त हुई। तो ऑप्शन सी 43। नेक्स्ट, आसियान का 37वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2020 में किस देश में हुआ। ऑप्शन बी वियतनाम में। चलिए नेक्स्ट है कि G20 का बैठक 21 से 22 नवंबर को कहां संपन्न हुआ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रियाद में। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2020 में किस देश की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। ऑप्शन बी रूस की मेजबानी में। नेक्स्ट, एपेक शिखर सम्मेलन 2020 कहां संपन्न हुआ, मलेशिया में। नेक्स्ट, कौन सा देश चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने लाने के लिए चांग E5 मिशन का प्रक्षेपण नवंबर 2020 में किया। ऑप्शन सी चीन ने। नेक्स्ट, अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित का कौन सा क्रम है। ऑप्शन बी 46वां। चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि नवंबर 2020 में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जनरल मनोज मुकुंद नरावने को। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन सी तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है कि लॉस एंजलिस में होने वाली 93वीं एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत से किस फिल्म को चुना गया है। ऑप्शन ए जल्लीकट्टू को। किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया। ऑप्शन डी इजराइल। चलिए नेक्स्ट है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए क्वारंटाइन।
और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि भारत के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है जिसने दुनिया में 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में 63वां रैंक प्राप्त किया है। तो उस सुपर कंप्यूटर का नाम है परम सिंधी AI। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 100 हाउ मेनी मार्क्स यू अचीव। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।